रखो, हर हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो, हर हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो, हर हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो, हर हवा पकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो नमस्कार गोरखपुर, नमस्कार गोरखपुर। दोस्तों, नाम विकास कुमार और बेसिकली मेरठ से रहने वाला। आर्मी की जॉब के बाद इस सफर की शुरुआत हुई थी। आर्मी में जॉब करता था 16 साल 2 महीना जॉब की, और जॉब के बाद फिर एक लाइफ कहीं थम सी गई थी और बारी थी कुछ ना कुछ करने की, कुछ डिसीजन लेने की, और ऐसा लग रहा था कि दूसरी जॉब करनी पड़ेगी। हर आम इंसान यही सोचता है कि भैया एक तो कर ली, कुछ पेंशन आएगा, कुछ यहां से आ जाएगा, और अपनी यही सोच थी। लेकिन उसी दरमियान जब ये बातें चल रही थी, जब मैं कुछ सोच रहा था कि लाइफ में कुछ क्या करें क्या ना करें, उसी टाइम हमारे मेंटर्स मिस्टर महिपाल सर, मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर अमित दुबे सर से मुलाकात हुई और इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। इस बिजनेस के बारे में सुनकर मानो ऐसे लगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत आसानी से हो जाएगा या हो जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगा कि इतनी बड़ी इनकम जब सर ने मुझे दिखाई, करोड़ों रुपए के सपने जब मुझे दिखाए, तो यकीन मानना बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। और मैंने सर से एक ही बात की कि ये सच में होता है ऐसा? बोला 100% होता है। अगर काम जो मैं कर रहा हूं, अगर आपने वही किया जो हमने किया है, वही काम किया है, वही काम करना है। और जैसे ही सर ने मुझे बताया, एक भरोसा दिया, एक विश्वास दिया। बहुत सारे अपलाइन आज आप लोगों को विश्वास देते होंगे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, यकीन मानना। लेकिन अगर मैं यहां पे हूं, मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन जो शख्स, जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस के बारे में बार बार अप्रोच कर रहा था, बार बार बता रहा था, बार बार इंक्रेज कर रहा था कि कर सकता है, यकीन मानना दोस्तों, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, बहुत अच्छी इनकम यहां से ले रहे थे। और बस भरोसा गुरुजी पे ही था, भरोसा सर पे ही था। और उस भरोसे के बदौलत जब काम करना स्टार्ट किया, काम करने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों के सामने आ रही होंगी। जब हम लोगों के पास जाते हैं अपना प्लान दिखाने के लिए, लोग हमें तरह तरह की बातें बोलते हैं, और सेम मेरे साथ हो रहा था। और मुझे लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और फिर मैंने गुरुजी से बात की कि सर ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, लोग, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, और आ जा रहे हैं तो काम नहीं कर रहे। और गुरुजी ने मेरे से बोला, बेटा ये तेरे साथ अलग नहीं हो रहा, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ही चलता है। मैंने कहा ऐसे कैसे चलता है? बोला नहीं, ऐसे ही चलता है। अगर तू विश्वास के साथ, अगर तूने विश्वास किया है तो 100% करना, और नहीं करना तो करना ही मत।
क्योंकि विश्वास की वो शक्ति है। हम भगवान की पूजा, भगवान से किसी की मुलाकात हुई क्या? हुई क्या? क्यों करते हैं? एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे सारी जो प्रार्थना कर रहा हूं वो पूरी हो जाएगी अगर मैं सच्चे मन से पूजा करूंगा। और सेम गुरुजी ने मुझे बताया, विकास अगर तू सच्चे मन से श्रद्धा से सिस्टम की बातों को फॉलो करेगा, अपलाइन की बातों को फॉलो करेगा, जो काम हमने किया सेम वो करेगा, 100% 2,500 रुपए का चेक का विश्वास नहीं होता मेरे दोस्त, 2,500 का भी आएगा, 2,50,000 का भी आएगा। और मैंने फिर मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, 100% विश्वास किया। मैं आर्मी से आया और एक ही बात मुझे सर ने बोला था कि भाई एक साल इस बिजनेस को जॉब की तरह कर लेना, एक साल इस बिजनेस को जॉब की तरह कर लेना, जो जॉब में तूने काम किया है, मेहनत की है। और आर्मी की जॉब थी तो 24 घंटे की नौकरी थी, शायद मुझे नहीं लगा मैंने 24 घंटे बिजनेस किया है, 18 घंटे 20 घंटे, लेकिन गुरुजी ने बोला कि जॉब की तरह इस बिजनेस को कर लेना। और मैंने 100% जॉब की तरह इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया मेरे दोस्त। उसका नतीजा ये रहा, उसका परिणाम ये रहा कि 11.5 महीने में मर्सिडीज बेंज में अपने घर पे लेके गया। ये हो कैसे पाया? क्या मेरी वजह से? ना ना ना, मुझे तो विश्वास ही नहीं था, लेकिन एक इंसान को भगवान माना था, उनके आदेश को भगवान का आदेश माना था। और मैंने 100% जब मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी की स्टोरीज पढ़ता था या देखता था, तो मेरे दोस्त चाहे वो अश्वत्थामा हो, चाहे वो कोई हो जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी, चाहे कोई एथलीट हो, चाहे कोई क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे कोई कबड्डी प्लेयर हो, हर इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई कोच जरूर रहा है। कोच जरूर रहा है। और हमने भी अपनी जिंदगी में एक कोच बनाया, कोच का डायरेक्शन जैसा हुआ, कोच की गाइडलाइन जैसी हुई, 100% गुरु का आदेश, भगवान का आदेश माना। अगर मुझे गुरु बोलते थे कि यहां खड़े होना है, मैं वहां खड़ा होता था, मुझे नहीं पता मैं कर पाया, लेकिन मैंने 100% पूरी कोशिश की। और उसका नतीजा है, उसका नतीजा ये रहा कि सोचती 25-30,000 रुपए की नौकरी थी, अच्छा जब मैं जॉब कर रहा था या जॉब का डिसीजन ले रहा था, बिजनेस शुरू किया, तो बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, आपके साथ हो रहा होगा, यस या नो? आपके साथ हो रहा होगा, क्योंकि हमारे अपने ही हमारे साथ में नहीं आते, हमारे अपने ही मना करते हैं, क्योंकि हम आम और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से यहाँ पे आते हैं। और जब हम अपनी प्रोफाइल में या अपने सर्कल में जब करोड़पति की बात करते हैं, तो करोड़पति बात करना हमारी प्रोफाइल में या मेरी प्रोफाइल में, तो मैं किसान का बेटा हूँ, किसान, मेरे बैकग्राउंड किसान फैमिली से है, तो क्राइम माना जाता है, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, यस या नो? यस या नो? लेकिन दोस्त, जो मुझे समझा रहा था, जो मुझे इंकरेज कर रहा था, जो मुझे खींच रहा था, अब मेरे पास दो डिसीजन थे, या तो मैं उस व्यक्ति की बात मानूं जो बोल रहा है कि अगले 3-4 साल में तेरी लाइफ हसीन हो जाएगी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मर्सिडीज जैगवार जो भी गाड़ी तू चाहता है, लग्जरी लाइफ, शानदार घर, सब कुछ तेरी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। और एक व्यक्ति वो था जो मुझे बोल रहा था कि कुछ नहीं होता, फालतू के चक्कर हैं। अब डिसीजन फिर हमारे ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाला तो बोलता है, दोनों स्थिति में अगर मैं उसकी मानता तो भी वो बोलता तथास्तु, और अगर इसकी मानता तो भी बोलता मैं तथास्तु। बताइए किसकी माननी चाहिए, जो ऊपर ले जा रहा है जो नीचे गिरा रहा है? जो ऊपर ले जा रहा है जो नीचे गिरा रहा है। और 100% अपनी जिंदगी उसके हाथों में थमा दी, जैसी मेरी जिंदगी को चलाया, जहां बुलाया, जहां बोला, वहां पे खड़ा रहा। और मेरे दोस्त, 2,500 रुपए के चेक से शुरुआत की थी, कुछ लोगों के आए होंगे, कुछ लोगों के आने वाले होंगे, 2,500 का भी आया, 10,000 का भी आया, 20,000 का भी आया, 50,000 का भी आया, 1,00,000 का भी आया, लास्ट जो चेक बना था AWPL के माध्यम से दोस्तों, 60,00,000 रुपए का चेक एक बार में मेरे घर पे आया। ये पावर है उस डिसीजन की, ये पावर है उस विश्वास की, ये ताकत है उस ड्रीम की। क्या कर किया जा सकता है विश्वास? विश्वास में वो शक्ति है कि जो आप सोच में नहीं हो सकती, जो जनरेशन में कोई नहीं कर पाया, आप कर जाएंगे। विश्वास करने के लिए तैयार हो? विश्वास करने के लिए तैयार हो?
विश्वास करने में तैयार हो। बस एक सक्सेसफुल इंसान को बेकम अपलाइन रूपी भगवान को, मेरे लिए तो भगवान है, मेरे तीनों मेंटर्स यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा रोल मेरी जिंदगी में इन मेंटर्स का रहा है। मैं अमित दुबे सर की बात करूँ तो गाइडलाइन डायरेक्शन जैसा मुझे बताया मेरी जिंदगी को चलाया, 100% सर का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मिस्टर शिव कुमार सर जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए 100% ABCD इंडस्ट्री की डी फॉर डायरेक्ट सेलिंग गुरुजी के माध्यम से मैंने सीखा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। महिपाल सर तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर फंक्शन में बोलता हूँ, गुरुजी का तो बस वो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, छींटे पड़ जाए तो अपनी जिंदगी मस्त हो जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे गुरुओं की गाइडलाइन में है, ऐसे गुरुओं की छत्र छाया में है। और मेरे दोस्त स्ट्रगल तो बहुत था, लेकिन दो फिर चीजें दो ही हैं, या तो हम पूरी जिंदगी लाइफ के 20-30 साल उस स्ट्रगल को, दुख भरी जिंदगी को, मजबूरी की जिंदगी को काट दें, या 3-4 साल झोंक दें। अगर 30-40 साल मजबूरी की जिंदगी काटते हुए रोज सुबह उठना, रोज जाना, रोज काम करना, लेकिन सारे सपने लाइफ में कभी पूरे नहीं होते। नौकरी तो मैंने आर्मी में भी की थी, वो अच्छी बात है, धन्यवाद उस परम पिता का देता हूँ मैं कि मुझे जल्दी आर्मी में जाने का सौभाग्य मिला। मैं 17 साल की एज में आर्मी में भर्ती हो गया, लेकिन वाकई अगर जिंदगी कहीं जी जाती है या बदलती है तो वो AWPL के प्लेटफॉर्म पे बदलती है। डिसीजन आपका है, 3 साल या तो झोंक देना या 30-40 साल काट लेना। झोंकने के लिए तैयार हो? झोंकने के लिए तैयार हो मेरे दोस्त? लाइफ हसीन हो जाएगी, देश विदेश की यात्रा। मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट भी हमने आर्मी से आने के बाद बनवाया क्योंकि जरूरत नहीं थी। यस या नो? जरूरत थी क्या? कोई जरूरत नहीं, उसके बाद हमने बनवाया पासपोर्ट भी। दोस्तों एक ही काम किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई भी टैलेंट था, मैंने बताया आर्मी की जॉब से आया था, कोई भी ज़्यादा टैलेंट नहीं था। एक काम बताया था गुरुजी ने, तुझे कुछ भी नहीं आता, वो जो बुक है हमारी, फोल्डर है हमारा, उसका रट्टा मार लेना। हमने रट्टा मार दिया, 2 रात लगी रट्टा मार दिया। यस या नो? और इस गाने को अपने दिमाग में फिट कर ले, जहां भी जाए यही गाना, थंडर ब्लास्ट इम्नोडोग करोड़पति, थंडर ब्लास्ट इम्नोडोग करोड़पति। और मेरे दोस्त ये गाना शुरू में तो ना नुकर करते हैं, कुछ लोग अपने भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना नुकर वाले लोग ही आने लगे। कारवां बनता गया और आज ऑल इंडिया 2.5 लाख का नेटवर्क खड़ा है। दोस्तों ये ताकत है उस डिसीजन की, ये ताकत है उस बेसिक काम की। लोगों के घर घर प्लान बताना, फॉलोअप करना, बस यही काम किया, बेसिक काम किया। लोग मना करते थे, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मेरे दोस्त हमें जरूरत नहीं है सवार अब लोगों की। लोग टेंशन में रहते हैं कि सर मेरे यहाँ साथ ये नहीं आया, अब क्या करूंगा, सवार अब की जरूरत है क्या? अरे तेरे जैसे 100 लोग मिल गए ना, धुआंधार धमाल हो जाएगा। 100 लोगों की जरूरत है तुझे अपने जैसे, 100 लोगों की। अरे कोई टेंशन नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर नकारे दुनिया में है तो काम करने वाले भी हैं। आपको नकारों के बीच में काम करने वाले ढूंढने हैं, आपकी जिंदगी को हसीन कर जाएंगे। कर सकते हैं, थैंक यू। ढूंढ लेके तैयार हो? ढूंढ लेके तैयार हो मेरे दोस्त? बस हमें काम करने 100 लोगों को ढूंढना है, लेकिन मिलेंगे इस भीड़ में ही। हमें नहीं पता कब किसको कहां मिल जाएगा, नहीं तो अगर ऐसा पता होता तो राज सर के गेट का खिड़की दरवाजा सीधा, मैं किसी से बात नहीं करता, सीधा राज सर के गेट के सामने खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता, बोला मेरा करोड़पति तो तू है। लेकिन मुझे नहीं पता था कहां पैदा हुआ, गोरखपुर में है, बनारस में है, भाई है, रिश्तेदार है, क्लास फेलो है, मेरा अनजान, कोई जान पहचान नहीं। लेकिन एक ही बात बोली थी, फिर वही बात, एक भरोसा था, एक विश्वास था कि अगर गुरुजी के साथ हुआ है और तू विश्वास करेगा तो तेरे साथ भी 100% होगा। और उस गुरु भक्ति का नतीजा है, उस गुरु भक्ति का नतीजा है कि आज सारे सपने AWPL के माध्यम से लगातार पूरे हो रहे हैं। मेरे दोस्त अगर आपको, आपने भी एक गुरु बना लिया जिंदगी में, आपके भी सारे सपने, प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है, प्लेटफॉर्म में इतना दम है, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। हो सकते हैं दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूं
AWPL मैनेजमेंट को, अनिल कुरी सर को, अपने भगवान, अपने मेंटर्स, कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर को, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया, जहां पे एक आम आदमी अगर जिसके सपने हैं, अरे जिसके मर गए उसकी तो बात ही नहीं करता, साला मरा ही हुआ है, लेकिन जिसके सपने हैं वो अगर झोंक दे AWPL प्लेटफॉर्म पे, सपने पूरे करने की गारंटी हमारी है। झोंकने के लिए तैयार हो, झोंकने के लिए तैयार हो मेरे दोस्त। आज एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से आपको मिलवाना चाहूंगा, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले हमारे साथ विश्वास लगा के स्टार्ट काम करना स्टार्ट किया था। और हर इंसान जब कहीं भी कोई भी आईडी लगाता है तो एक ही सपना होता है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति। दोस्तों अब ज्यादा देर ना करते हुए, एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की जिन्होंने गोरखपुर में आज से कुछ दिन पहले इस काम की शुरुआत की थी, शुरुआत में प्रॉब्लम उनके साथ भी सेम थी, लेकिन आज ये कारवा उनके पीछे है, बहुत बड़ा साम्राज्य उनके पीछे है। दोस्तों आज उस फील करना, और मैं एक बात बोलता हूं, जब मुझे फंक्शन में ले जाके बैठाया जाता था मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे दोस्त, मैं शुरू से लास्ट तक चेयर अपनी नहीं छोड़ता था। बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सीरियस होंगे, जिनको मजाक लग रहा होगा वो निकल जाएंगे, जो सीरियस होगा वो डटा रहेगा और अपने आप को इस स्टेज पे फील करेगा। क्या फील करने के लिए तैयार हो? क्या फील करने के लिए तैयार हो? जो फील करेगा मेरे जो दोस्त, उसकी जिंदगी हसीन हो जाएगी। मेरे दोस्त आज आपको एक जिंदगी बदलते हुए महसूस करना, अपनी जिंदगी को बदलते हुए कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस इंसान के अंदर आपको अपने आप को देखना चाहिए, आपकी छवि दिखनी चाहिए। महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, मैं आज स्टेज पे आपके बीच एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आमंत्रित करना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक रिकॉर्ड बनाया है। और एक सपना होता है एक आम इंसान का करोड़पति बनना, और उन्होंने ये मुकाम बहुत जल्दी हासिल किया है। दोस्तों आपकी तालियों के बीच, हल्ले के बीच, सीटियों के बीच मैं बुलाना चाहता हूँ न्यू करोड़पति कंपनी, न्यू ब्लू डायमंड लीडर, मिस्टर राज चौधरी।